प्रस्तावित चयन परिणाम, तो ये है परिणाम घोषित करने का प्रस्तावित माह सम्मिलित अवर अभियंता जो आएगा जून 2024, आंसुलिपिक कनिष्क 24, ये भी जून 2024, कुल 242 पद हैं, उसमें 1388 हैं। सहायक सांख्यिकी पद 904 है, जून में आएगा इसका परिणाम घोषित करने का माह। इसके अलावा देखिए यहाँ छठवें नंबर पे कृषि उत्पादन मंडी जुलाई में, सम्मिलित तकनीकी समान चयन 292 पोस्ट अगस्त में, वन दरोगा मुख्य परीक्षा सितंबर में, मुख्य सेविका यहाँ पे देख लीजिए, और वहीं तैयारी 3 का परीक्षा जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में होना है। आपको ये भी बता दें कि पुड़िया में जिन जिन लोगों का रोका गया है, ज्योति राजपूत 6 से 8 में गणित विज्ञान विषय से थे, सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 86 ही पाए थे, उत्तर प्रदेश की हैं। विवेक नंदी महतो सामाजिक विज्ञान में सीटेट में 85 हैं, झारखंड, निवास प्रमाण पत्र बिहार का है। सैनी कुमारी सामाजिक विज्ञान में सीटें 87 है, बंगाल हैं। कविता कुमारी हिंदी में सीटें 87 उत्तर प्रदेश की हैं। सालू देवी हिंदी से हैं, सीटेट में इनका 87 है, ये उत्तर प्रदेश से हैं, बीए विषय में सीटेट में। तो यहाँ देखिए शशि कुमार प्रभा यादव का भी सामाजिक विज्ञान में 85 नंबर है, लीड़ा कुमारी को भी बाहर कर दिया गया है जूनियर शिक्षक भर्ती से, क्योंकि गणित विज्ञान में इनका 85 है जबकि 90 नंबर चाहिए। कुमारी चंदा कुमारी का हिंदी में मात्र 82 था, उत्तर प्रदेश से है, इनको भी बाहर। सरस्वती गुप्ता हिंदी में था 82, इनको भी बाहर कर दिया गया, हिंदी से थी। शालिनी राय भी हिंदी से उत्तर प्रदेश। ममता कुशवाहा का भी रसायन शास्त्र में 61 ही था, 11-12 में एस्टेट में 61 ही है, उत्तर प्रदेश की थी रसायन शास्त्र से। उत्तम कुमार कंप्यूटर में ये 63.55 था, सीट एस्टेट झारखंड की थी। अनीता कुमारी रसायन शास्त्र 69 ही थे क्योंकि 75 नंबर चाहिए था, जबकि देवराज कुमारी भौतिकी शास्त्र थी 2023 एस्टेट 69 पाई थी, 75 नंबर चाहिए था। प्रभा कुमारी समाज शास्त्र में 69 ही पाई थी, प्रगति राय 72 ही पाई थी। ये सब ज्ञात है कि विज्ञापन के आलोक में किसी प्रकार का आरक्षण राशि बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश में विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्यायिक उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा स्पष्ट है कि बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हेतु 5% की छूट दे नहीं, अर्थात विद्यालय अध्यापक नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सभी समान श्रेणी निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही पूरी करते हैं, जबकि आवेदन में अंकित किया गया कि आप नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता पूरी कर रहे हैं। तो यानी कि ज्ञात विज्ञापन का किसी प्रकार का आरक्षण कला से बिहार राज्य के लिए है। कई लोग अभी ऐसे हैं जो मुख्य परीक्षा में यानी कि जो एस्टेट के बाद हुआ उसमें भी आरक्षित दूसरे राज्य के लोग नौकरी कर रहे हैं। वहीं इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती का नियमावली। यूपी बोर्ड से बदतर है लोक सेवा आयोग के हालात। गाँव में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। गाँव में लापरवाही से 24 राजस्व अफसर को नोटिस। सिपाही भर्ती परीक्षा फिर शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सीएम के निर्देश से 80,000 पदों पर जगी है उम्मीदें। और पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने बनाई आंदोलन की रणनीति। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के दौरान आरक्षण के नियम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुरखुआ को पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठे हुए हैं। बैठक में उन्होंने आंदोलन की रणनीति बना ली है। कस्तूरबा गांधी में नौकरी